अकॉर्डिंग सपोर्ट, आज फिर हम बात करने वाले हैं कॉइंस फिट एक्सचेंज के बारे में। काफी लोग कॉइंस फिट एक्सचेंज के बारे में जानते हैं, अभी उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा क्योंकि हमारी जो टोकन्स हमें मिलने वाले थे वो ट्रेड हो रहे हैं। इसी के बारे में आज हम फुल बात करने वाले हैं, जिन्हें कन्फ्यूजन है कि आप अपना प्रॉफिट किस तरीके से गेन करें एंड विड्रॉल कैसे लें, क्योंकि कॉइंस फिट ने आई नो कि काफी अपसेट हम लोगों को किया है। जो प्राइस इसकी बताई जा रही थी वो प्राइस नहीं है। बता देती हूँ, कॉइंस फिट के बारे में मैंने आपको बताया था जो उनका रेफर प्रोग्राम चल रहा था, जिसपे 2000 टोकन फॉर ईच मिल रहे थे, जिनकी वैल्यू बताई जा रही थी $200। इसके बारे में, इसके बाद सेकेंड स्टेप था हमारी KYC अपडेट करने का, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, और KYC जिन्होंने करी है उन्हीं को टोकन प्रोवाइड हुए होंगे। जो आपके रेफरल्स थे जिन्होंने KYC नहीं करी, उनका जो रेफरल बोनस था वो भी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया होगा, बस उसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारा कॉइंस फिट एक्सचेंज का अकाउंट है, जहां पे हम लोग जब मेन बैलेंस के ऊपर क्लिक करते हैं सो हमारे पास वो टोकन शो होंगे जो हमने कमाए होंगे और जिनको हम ट्रेड कर पाएंगे। जो आपके टोकन्स हो रहे होंगे वो इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो हो रहे होंगे। सो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास जब आपने किसी को रेफर किए होंगे तो 1000 टोकन फॉर ईच रेफर भरते जा रहे होंगे, पर वहां पे कंडीशन ये थी कि जिन्होंने KYC कंप्लीट करी होगी उन्हीं के बोनस आपको मिला होगा, और जिन्होंने KYC नहीं करी उनका बोनस डिडक्ट हो गया होगा। इस तरीके से जो आप शो हो रहे होंगे वही आपका मेन बैलेंस है। विड्रॉ लेने के लिए सबसे पहले आप ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका जो ये अकाउंट है, अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट अंदर आ जाए, जिससे कि आप उनका ट्रेडिंग कर पाएं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आपको आना है इस ट्रेड वाले ऑप्शन पर। ट्रेड वाले ऑप्शन पे हम चलते हैं तो वहां पे हम लोग करेंगे हमारे टोकन्स को बाय और सेल, और किस तरीके से प्रॉफिट लेंगे। इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफी डिसअपॉइंट वाली रही थी कि जब ये आया था तो आई गेस इसकी जो प्राइस थी वो ज्यादा से ज्यादा 27-28 सतोशी थी BTC में, और अभी इसकी 31 BTC चल रही है, 49 तक भी BTC गया है, 49 सतोशी तक। इथेरियम में कुछ 1765 है और 1900 सतोशी तक इसने हाई भी मारा है। सो नो डाउट कि पंप एंड डंप इसमें आ रहे हैं, और हो सकता है फ्यूचर इसका काफी अच्छा भी हो, जैसा हमें बताया जा रहा था कि इसकी वैल्यू जाएगी $0.1। बट फिलहाल इसकी प्राइस कम है, मेरा तो मानना यही है कि ये जो टोकन्स हैं, जो कॉइन्स हैं, इनकी दुनिया एक ऐसी दुनिया है, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी कोई टोकन इतना ऊपर चला जाता है कि हम लोग बहुत पछताते हैं कि हमने सेल क्यों किया, और कुछ जो होते हैं इतना डम चल जाते हैं कि वो डिलिस्ट ही हो जाते हैं। सो इससे तो बेटर है कि आप लोगों ने अगर उसके ऊपर 2 मिनट भी लगाए हैं तो आप अपना प्रॉफिट तो एटलीस्ट लेकर ही चलें। अगर आपको लगता है आगे इसके प्राइस अच्छी जाएगी तो आप एटलीस्ट 30% टोकन जो है वो अपने होल्ड रखें, 50-70% जो टोकन हैं एटलीस्ट वो बेच दें और अपना प्रॉफिट तो ले लें। एटलीस्ट जो आपने मेहनत करी है उसका प्रॉफिट तो लेना बनता है ना, तो यही बात है एयरड्रॉप्स के अंदर, अगर आप कमाना चाहते हैं तो। फिलहाल इसकी प्राइस की बात हो गई, इसकी मार्केट की बात कर लेते हैं। कॉइंस फिट के अलावा ये P2P पे भी गेन इसकी ट्रेडिंग चल रही है। जब हम इसके बाय एंड सेल के ऑप्शन पे आ जाते हैं, मेरा अकाउंट बिल्कुल 0 शो हो रहा है, बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी विड्रॉल ले चुकी हूं मेरे टोकन्स का, जो भी मेरे को प्रॉफिट हुआ था। आप लोगों के लिए इसीलिए विड्रॉल प्रूफ के साथ ही ये वीडियो बना रही हूं, जिससे आपको हेल्प मिल जाए। हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे हमारा CNB टोकन BTC एंड इथेरियम में। सो BTC के अंदर इसकी वैल्यू अभी कुछ गिर गई है CNB के अंदर। इसकी जो प्राइस है वो कितनी है, क्या है, ये सर्च मार लेते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ CNB। व्हेन आई सर्च हियर CNB, सो थोड़ा धीरे शो हो रहा है। ओके, इथेरियम के अंदर प्राइस शो हो रही है 1727, और जब मैं इसकी मान लीजिए इथेरियम में ही हमको इसको सेल आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सेल करना है तो आपको इस वाले सेक्शन में आना होगा, सेल CNB, और अगर बाय करना है सो बाय। यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री चल रही है कि लोग कितने कितने पे बाय करते जा रहे हैं और कितने कितने पे सेल करते जा रहे हैं, इस तरीके से ऑर्डर्स करनी है। सो इसके
बाद में हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट वो होता है कि हमारा हाईएस्ट जा रहा है 1727। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बायर्स को देखिए कि करंट में जो बायर है वो कितने पे बाय करना चाहता है। एक्चुअली ये साइट काफी हैवी चल रही है, सो काफी धीरे धीरे प्रोसेस कर रही है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बट वेल आप लोग करंट बायर को देखिएगा, करंट बायर की प्राइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेल वाला जो ये ऑप्शन है ये देखिए आ गया मेरे पास कि जो बायर्स के ऑर्डर्स लगे हैं वो 1725 पे एक बायर बैठा है जो कि इतने सीएनबी जो है वो बाय करना चाहता है। आपको बस इसके ऑर्डर पे क्लिक करना है, इसके ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेल वाला ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, जितने टोकन्स आप लोग सेल आउट करना चाहते हैं उतने ही टोकन्स का अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आगे इसका फ्यूचर ब्राइट होगा, नो डाउट ब्राइट होगा, हर एक टोकन का एक पंप वाला डे आता ही है, उस पर हिट मारना होता है हमको। बट कोई ना, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो निकाल के सेल आउट कर दीजिए, अगर नहीं निकालना है तो 50-70% सेल आउट करिए, बाकी के आप होल्ड करके रखिए। ये है मिश्रा कि जितना अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट आप यहाँ पे शो लिख दीजिए। उसके बाद में आपके पास में जो भी करंट इसकी वैल्यू होगी उतना इथेरियम आपके पास में यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा और सेल पे क्लिक करते ही आपके हो जाएंगे सोल्ड। तो जब हो जाएंगे फिर आप जाके अपने बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आपने जितना बेचने पर आपने जितना इथेरियम गेन किया होगा वो इथेरियम आपका वहां पे शो होगा। उसकी जस्ट शाम की देखिए जैसे ही इथेरियम आपका जो कर देंगे तो आपका इतना शो हो जाएगा। फिर विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो विड्रॉ कर सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर जिसमें आप सेंड करना चाहते हैं, ERC20 हो या कोई और दूसरा वॉलेट हो जहां पे आप जो है सेंड करना चाहते हैं अपना इथेरियम, आपको जरूरत हो तो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास टोकन्स हैं और आप सेल आउट करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर, सभी लिंक्स आपको नीचे अवेलेबल हैं, आप वहां पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज टेलीग्राम ग्रुप्स को जरूर हमारे ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप जो शॉर्ट टाइम्स अपडेट्स होती हैं वहां पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं क्योंकि तुरंत वीडियो बनाना दैट्स नॉट पॉसिबल। सो अपडेटेड रहने के लिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दैट वॉज द प्रोसेस फॉर टू टेक प्रॉफिट फ्रॉम कॉइनस्वीट एक्सचेंज, जिसका हमने काफी वेट किया था 2-3 महीने। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने भी इसका विड्रॉ लिया है कुछ मेरे कुछ टोकन्स का, पहले भी इससे पहले भी मैंने विड्रॉ ले चुकी हूँ और अभी भी मैंने विड्रॉ दोबारा से ले लिया अपना जब जब मुझे जरूरत होती है सो मैं विड्रॉ ले लेती हूँ बिकॉज अपन वर्क क्यों करें अपना प्रॉफिट लेने के लिए। तो ये मेरा अभी पेंडिंग में है, जैसे ही ये कन्फर्म हो जाएगा आई विल शो यू अगेन। सो कल ही मैंने ये जो ऑर्डर है वो लगाया है। सो आज की वीडियो थी इसके ऊपर। सो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, सो मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन करके रखिएगा और इस तरीके से प्रॉफिट निकालते रखिएगा कि अगर आपको $20 तक का भी अभी इससे प्रॉफिट हुआ, $200 तक तो नहीं पहुंचे पर $20 तक का भी अगर आपको प्रॉफिट किया तो दैट्स नॉट बैड। ठीक है, कुछ ना सही से कुछ सही, फेक और स्कैम नेटवर्क से कुछ अच्छे एंड जेन्युइन ही सही, भले कम प्राइस के सही। सो बस इसी की उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग के साथ में, न्यू एयरड्रॉप्स के संग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे हम शेयर करेंगे आपके साथ और नई नई अच्छी अच्छी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।